हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टू टेबल विद नीतू। आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बीट रूट से एकदम मस्त सैंडविच का आलू का मसाला। आप ये रेसिपी देख के बोलेंगे पहले क्यों नहीं बताया था, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। यहाँ पे हमको बॉयल पोटैटो चाहिए, एक प्याज, एक छोटा बीट रूट और एक टमाटर। जी हाँ, बीट रूट से हम लोग आलू मसाला बनाएंगे। मसाले में थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये भुना हुआ पाउडर है। यहाँ पे बस आलू मैश कर ले, प्याज व्याज सब फाइनली चॉप कर ले। मम्मी मेरी इसे सैंडविच मसाला बोलती थी। तो आपको एक कढ़ाई लिए, थोड़ा सा तेल, मतलब 2 टीस्पून के तेल के आसपास मैंने डाला है। बस मिर्च डालिए, प्याज डालिए और इसको पहले अच्छे से फ्राई करना है। मतलब एकदम ब्राउन नहीं करना है, बट हाँ, प्याज कुक हो जाए। और जब आपका प्याज ये फ्राई हो जाएगा, फिर हम डालेंगे बीटरूट और टोमेटो। ये बहुत अच्छी रेसिपी, आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने इसमें बीट रूट यूज़ किया है। ये हेल्दी तो है ही और उतना ही टेस्टी है। अगर बच्चे खा रहे हैं तो मिर्च मत डालिएगा, स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बीट रूट घिस के डाला है। इसके साथ हम एक छोटा टमाटर भी डालेंगे और थोड़ा सा नमक। नमक आप एडजस्ट कर लीजिए, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के लगभग डाला है, तो आप देख लीजिएगा। आप बाद में कम बेसी जैसा हो आप मैनेज कर सकते हैं, हमेशा कम से शुरुआत करें। और ये जब कुक हो जाएगा, इसको कब तक करना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है। जब ये टमाटर मशी हो जाए, देखिए, तब आप समझिए आपका हो गया है। फिर आप ये जो सूखे मसाले, थोड़ा सा गरम मसाला और भुना हुआ जीरा, भुना हुआ मिर्च, जो दही बड़ा मसाला होता है ना, ये हमेशा मेरे पास रहता है। बस यही सब मिक्स करना है। उसके बाद हमको पोटैटो मिक्स करना है और हमारा आलू का मसाला रेडी। देखिए कितना क्विक है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में भी लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। बस इसको आपको अच्छे से मैश करना है, उसके बाद गैस बंद करें और इसको ठंडा करें। ये देखिए आपका हो गया। कोई बोलेगा अभी नहीं कि इसमें आपने बीट रूट यूज़ किया है, बट बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और तवा गरम कर दीजिए और एक साइड में अच्छे से आलू को स्प्रेड कीजिए और घी, तेल, बटर, जो भी आपका मन हो उसको लगा कर सेक दीजिए। आपका सैंडविच रेडी। तो ये जितना जल्दी रेसिपी मैं दिखा रही हूँ, उतना जल्दी रेसिपी बनता भी है। और ये वाली जो सैंडविच है ना, मतलब थोड़ा क्रिस्पी ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई जब क्रिस्पी करना है तो आपको तेल या घी तो चाहिए ही होगा, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप कम तेल लगाएंगे तो क्रिस्पी कम बनेगा। तो ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। तो बस मेरा नाश्ता तो बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं ये 2 स्लाइसेस बना रही हूँ। जैसे मैंने पहले के तवा सैंडविच की रेसिपीज दिखाए हैं, सेम है, वैसे ही करना है। दोनों को साइड से धीरे धीरे सेकना है, गैस तेज नहीं करना है। देखिए ये ऐसा गोल्डन कलर आए तो समझिए आपका हो गया है। अगर लगे कि जैसे कि ये मतलब ये हल्का है तो हम और सेकेंगे, तो इसमें कुछ बात नहीं है। मेन है इसका आलू का मसाला। तो आप ये सब ज़रूर ट्राई करिए, मुझे बताइए आपको क्या रेसिपी देखना है। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।